गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग कविता के अगले भाग को देखेंगे। कविता है अट नहीं रही है। कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि फागुन माह की सुंदरता का, सौंदर्य का मनमोहक चित्रण प्रस्तुत करते हैं। दूसरे पद को हम लोग देखेंगे। पहले पद को हम लोग देख चुके थे, अब दूसरे पद को देखेंगे। दूसरे पद में कवि क्या कहते हैं? दूसरे पद में कवि कहते हैं, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध सुगंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। फिर से एक बार कविता देखिए। कविता में कवि कहते हैं, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। कविता के इस भाग में कवि के कहने का क्या मतलब है, कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं इस पद में, फागुन माह में वृक्षों पर नए नए पत्ते लद गए हैं। कहते हैं कि फागुन के महीने में वृक्षों पर नए नए पत्ते लग गए हैं, और इन पत्तों से वृक्ष कहीं लाल तो कहीं हरी दिखाई दे रही है। जब वृक्षों में नए नए पत्ते लग गए हैं तो वृक्ष इन पत्तों के कारण कहीं लाल तो कहीं हरे दिखाई दे रहे हैं। वृक्षों के गले में मंद मंद सुगंध वाली फूलों की माला दिखाई दे रही है। फागुन के महीने में प्रकृति में फूल खिलते हैं, और उन फूलों को देखकर कहते हैं पेड़ों पर भी फूल लग जाते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि वृक्षों के गले में मंद मंद सुगंध वाली ना खुशबू देने वाली है ना मंद मंद खुशबू देने वाली फूलों की माला दिखाई दे रही है। यानी फूल पौधों में ना पौधों में पेड़ों में फूल खिल गए हैं, और ऐसे लग रहा है मानो कि पेड़ जो है वे फूलों की माला धारण किए हुए हैं। और जगह जगह पर सौंदर्य, फागुन माह में जगह जगह पर सौंदर्य इतनी अधिक बिखर गई है, इतनी अधिक खिल उठी है सुंदरता सौंदर्य, कि वह प्रकृति में समा नहीं पा रही है। इसलिए वह इस प्रकृति से छलक कर बाहर प्रकट हो रही है। फिर से देखिए एक बार, कवि कहते हैं कि फागुन माह में वृक्षों पर नए नए पत्ते लग गए हैं, और इन पत्तों के लग जाने से वृक्ष कहीं लाल तो कहीं हरी दिखाई दे रहे हैं। वृक्षों के गले में मंद मंद सुगंध वाली फूलों की माला दिखाई दे रही है, और जगह जगह पर सौंदर्य इतनी अधिक खिल उठी है कि वह प्रकृति में समा नहीं पा रही है, और इसलिए वह प्रकृति से छलक कर बाहर प्रकट हो रही है। चारों ओर फूल पत्ते नए नए पत्ते दिखाई दे रहे हैं, चारों ओर प्रकृति में सुंदरता ही सुंदरता बिखरी पड़ी है। दूसरे पद में कहते हैं कवि कि चारों ओर फागुन के माह में फूल पत्ते प्रकृति में नए नए आ जाते हैं, और प्रकृति सुंदरता से भर जाती है। इसीलिए कवि फागुन माह की सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वृक्षों में कहीं लाल कहीं हरे पत्ते नज़र आ रहे हैं, और वृक्षों में खिले फूल ऐसे लग रहे हैं मानो कि वह वृक्ष गले में फूलों का हार, सुगंध वाला हार धारण किए हुए है, और जगह जगह इतनी सुंदरता फैली हुई है कि वह प्रकृति से छलक कर बाहर नज़र आ रही है। वो हमें प्रकृति में फागुन माह की सुंदरता दिखाई दे रही है।